Have a good day to everyone. This is Arjit Kumar and I want to talk about myself first. I've done bachelor's in education, I've done master's in marketing and finance. And I used to work in Aman Foundation as an instructor. And I have a diversified experience in other corporate sector. And I'm a life coach, I'm a trainer, and I'm manager operations at Winners Corporation. तो आज मैं पहले बताना चाहूंगा हमने इस सेशन क्यों रखा और इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा। लाइफ चेंजिंग सेशन अब मैं अपनी सुनूंगा। बहुत सुन ली हमने लोगों की, बहुत बातें कर ली हमने लोगों की, इस बार आज मैं अपनी सुनूंगा और किसी की नहीं सुनूंगा, क्योंकि ये जिंदगी मेरी है, ये लाइफ मेरी है, ये किस्मत मेरी है। तो चमकाऊंगा भी मैं खुद और आगे बढ़ूंगा मैं खुद, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरी तरक्की कैसे होगी, मेरी कामयाबी कैसे हो, मैं चाहता हूं। और खुदा पे यकीन है, उसके बाद मैं अपने आप पे यकीन रखता हूं। इसलिए हमने ये सेशन चुना। सबसे पहले हम इस सेशन को थोड़ा आगे बढ़ा रहे थे, तो जैसे हमने स्टार्ट किया तो 5-6 बातों पे हमने इस सेशन को आगे बढ़ाया। सबसे पहले, चैंपियंस नेवर कंप्लेन। आई एम अ चैंपियन, आई नो माई सेल्फ, आई कैन डू इट, आई नेवर गिव अप, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल। मनी इज अ पुअर इंडिकेटर ऑफ योर सक्सेस। तो इसी मतलब सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए मैं दो कोटेशन देना चाहूंगा। पहला, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू जस्ट डिफरेंटली। कामयाब आदमी कोई डिफरेंट अंदाज से नहीं करता, वो मुख्तलिफ अंदाज से कोई चीज को करके दिखाता है, वो कामयाब बन जाता है। ख्वाब वो नहीं होते जो सोते हुए आते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। सेशन को हमने इसलिए डिजाइन किया कि मेरे बच्चों से हमेशा ये डिस्कशन होती थी, उनसे बातचीत होती थी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे ये बात करते थे कि यार कभी माँ बाप का प्रेशर है तो कभी बड़ों का प्रेशर, कभी दोस्त नहीं करने देते तो कभी पैसे नहीं, तालीम का ताल्लुक कभी पैसे से था ही नहीं। तालीम गरीब भी हासिल कर सकता था, वो अमीर भी हासिल कर सकता है। इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड, इट्स ऑल अबाउट योर इंटेंशन, इट्स ऑल अबाउट योर फीलिंग्स। अंदर से आग आनी चाहिए, अंदर से जब आग आती है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसको मैं एक छोटी सी कहानी में बताना चाहूंगा, ये सेशन क्यों रखा गया, हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए और बाकी लोग जो आज यहाँ पर आए थे। तो एक गाँव में मतलब दो बच्चे खेलते थे, एक बच्चा 6वीं जमात का था, एक 10वीं जमात का। छठी जमात वाला बच्चा दुबला पतला सब कुछ भी नहीं, दोनों खेलने जाते हैं गांव से बिल्कुल दो और एक कुएं के सामने खेलते हैं। तो 10वीं जमात वाला बच्चा कुएं में गिर जाता, मोटा सा टक्कर 40-50 किलो वजन का, और 6वीं जमात वाला दुबला पतला 20-25 किलो का वजन। तो जैसे वो मैट्रिक वाला बच्चा उसके अंदर गिर जाता है तो बच्चा परेशान कंफ्यूज, उसको कुछ समझ नहीं आता, बस वो बाल्टी नीचे फेंक देता है और उस बाल्टी को के बाद बोलता है कि उसको ऊपर खींचो, ऊपर खींचो, ऊपर खींचो। वो आखिरकार उसका आपको कर जाता है। दोनों डिस्कशन करते हैं, यार अगर घर बताएंगे तो घर वाले तो हमें मारेंगे, मतलब अगेन यहां पर घर वालों का प्रेशर, अगेन उन लोगों का प्रेशर। तो जैसे ही वो घर अपने गांव वापस जाते हैं तो लोगों को बताते हैं, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप उन पर यकीन करते ही नहीं है। यकीन अपने आप पर खुद करना सीखे, बच्चे ये समझा रहे थे। लेकिन वहां पर एक बंदा था, वो यकीन कर रहा था ये बच्चे सच बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे, तो गांव वाले उसका भी यकीन नहीं कर रहे। तो गांव वालों को उस आदमी ने ऐसा समझाया कि बच्चे क्या गांव से बाहर थे? जी हाँ, बच्चे गांव से बाहर थे। बच्चे गांव से बाहर थे तो हाँ कर सकते हैं, क्योंकि उसको उस वक्त कोई मना करने वाला नहीं था, कोई यकीन ना करने वाला कोई नहीं था, उसको रोकने वाला कोई नहीं था, उसको रोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो छोटा बच्चा कर पाया। क्योंकि आप में हिम्मत है, आप में जज्बा है, आप में इनकरेजमेंट है, आप में पावर है, उस पावर को, उस आग को अंदर से बाहर निकालना है और चीज को खींच के लाना है। लास्ट मैसेज इस हवाले से, तो अपने आप को कभी भी ये ब्लेम मत करना कि मैं नहीं कर सकता, ये बहुत ही मुश्किल है, ये नामुमकिन है, मत बोलो। इन अल्फाजों को इन अल्फाजों में कन्वर्ट करो, यस आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, I'm a champion and I can do whatever I want. That's it. ये मेरा मैसेज था आपको और